फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। तो इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे एक छोटी रिक्वेस्ट, जो भी चैनल में नए जुड़े हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, कॉमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करना। मैं रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियोज़ बनाती हूँ, तो अगर आपका भी कोई फेवरेट ब्लॉगर है या कोई ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी जिस पर आप चाहते हैं कि मैं अपना नज़रिया शेयर करूँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। उसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो जहाँ पे आजकल बहुत तरीके की भगदड़ मची हुई है, जहाँ गर्दन घुमाओ वहाँ पे आपको एक फैमिली कॉन्ट्रोवर्सी देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर बात करें हम लोग बसंती जी की और अनीता जी की, हालांकि दोनों सामने से एक दूसरे से ना ही लड़ रहे हैं, ना ही एक दूसरे को कोई टोंटबाजी चल रही है, ना ही ऐसा सच कोई फैमिली कॉन्ट्रोवर्सी फिलहाल चल रही है। पास्ट में बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज चली हैं, लेकिन अगर एट प्रेजेंट की बात करें तो दोनों के बीच में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। लेकिन अगर बात करें कमेंट सेक्शन में, तो कमेंट सेक्शन में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है। सब्सक्राइबर के बीच में भी और अब पर्सनल चीज़ों से रिलेटेड भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और एनोनिमस आईडी से कमेंट सेक्शन में घर की कुछ ऐसी पर्सनल डिटेल्स लीक की जा रही हैं जिसे शायद सोशल मीडिया पर लीक करना सही नहीं है। जहाँ पर अभी कुछ दिन पहले ललित की शादी को लेकर बहुत ज़्यादा माहौल, बहुत ज़्यादा बातें हुई, कमेंट सेक्शन में कोई 100% 1000% की गारंटी दे रहा है कि जो मैं खबर बता रहा हूँ वो सच है, टाइम आने पे मैं प्रूफ दे दूंगा। वहीं पे उसी प्रूफ से रिलेटेड चीज़ें बसंती के लिए भी आ रही हैं। जी हाँ, आप लोग भी शॉक हो गए होंगे, क्योंकि अभी चार दिन पहले जो चीज़ें, जो खोलने की बातें, पोल खोलने की बातें, सच बोलने की बातें, सबूतों की बातें अनीता जी के लिए हो रही थी, वहीं पर अब बसंती जी से भी रिलेटेड कुछ ऐसे कॉमेंट्स आने लगे हैं जहाँ पे वापस से पुरानी बातों को वापस से उछाला जा रहा है। आप जानते ही हैं कि दीपक जी की मौत को हुए हुए आज तकरीबन 1-1.5 महीने से ऊपर हो गए हैं, और पहले भी ये बात उठी थी कि वो कोई नेचुरल सिनेरियो नहीं था, इट वॉज प्री प्लान्ड, और उन सब चीज़ों के पीछे थे खुद बसंती और बसंती के बच्चे। ऐसे एलिगेशंस आपने बहुत बार उन पर लगते हुए देखे भी हैं, और मैंने बार बार उन एलिगेशंस का विरोध भी किया है कि जब तक आपके पास कोई सबूत ना हो, जब तक आपने कोई चीज़ अपनी आँखों से ना देखी हो, किसी भी रूमर्स को इतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए कि वो सोशल मीडिया पे बढ़ने लगे या उसके बारे में भिन्न भिन्न प्रकार की बातें होने लगे। लेकिन अभी भी वो चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, और आप लोगों को सुन के बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा। इनफैक्ट मैं बहुत शौक थी कि कल मेरी वीडियोज़ पर, मेरे कॉमेंट सेक्शन में ऐसे कॉमेंट आए जहाँ पर एक मैडम ने इस बात के लिए भी बोला है कि मैं आपको चाहूँ तो बहुत सारे प्रूफ्स दिखा सकती हूँ, मैं खुद आपको प्रूफ दिखा देती या मैं खुद पब्लिक को प्रूफ दिखा देती कि जिस बुनियाद पे बसंती जी पे इतना गंभीर आरोप लगाया जा रहा है, इतना एलिगेशन लगाया जा रहा है, इनका बोलना ये था कि मेरे पास खुद में पर्सनल वो प्रूव्स हैं, लेकिन मैं चीज़ों से बंधी हुई हूँ, मैं इस चीज़ से बंधी हूँ कि अगर वो प्रूव्स दुनिया के सामने आए या किसी के सामने आए तो इस चीज़ को लेके बसंती के खिलाफ केस हो सकता है, उसे जेल जाना पड़ सकता है, और ये उसके बच्चों के लिए भी और उसके लिए भी एक बहुत अलग चीज़ हो जाएगी, अलग लेवल की बात हो जाएगी, और समाज की शर्म के मारे, परिवार की इज्जत ख़राब ना हो, परिवार की चीज़ें छुपी रहें, वो सामने ना आए, और सबसे ख़ास बात कि बसंती को जेल ना जाना पड़े, सिर्फ इस वजह से वो सबूत है वो पब्लिक के सामने नहीं दिखाए जा रहे हैं। और उनका बोलने का ये भी था अर्थ, मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगी, मैं उन्होंने ये भी बोला कि यही रीज़न है कि जितनी भी बहनें थी वो इस शोक में शामिल नहीं हुई, और यही रीज़न है कि अनीता जी सब कुछ जानती हैं, इनफैक्ट पूरी फैमिली को सब कुछ पता है कि एक्चुअल में चीज़ें क्या हुई थी, और वो जस्ट इसीलिए ही चुप हैं कि फैमिली की बात फैमिली तक रहे। इनफैक्ट गांव के बहुत इर्द गिर्द के लोगों को भी इस बारे में पता है, लेकिन सब के सब सिर्फ इस वजह से चुप हैं कि परिवार की इज्जत परिवार में रह जाए और किसी के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई ना हो। और यही रीज़न है कि आपको अनीता जी भी ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हुई नज़र नहीं आई। वो इन सब्सक्राइबर का बोलना है, और ये कोई पहले बंदी नहीं है, ऐसे अक्सर कमेंट्स आते रहते हैं, बसंती जी के चैनल में भी आते हैं और अब मेरे चैनल में भी आए। लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने कल जो बात बोल दी ना कि सबूत दिखाने को, तो मैं 2 मिनट में मैं खुद वो सबूत दिखा दूँ। मतलब ये जो सब्सक्राइबर हैं ये कोई ऐसा बंदा या बंदी हैं जिनके पास पर्सनली उस चीज़ के सबूत हैं, और कई बार इन्होंने ये भी
जिक्र किया है इन्होंने नहीं, बाकी जो लोग कमेंट करते हैं, कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और सीसीटीवी कैमरे में वो पूरी चीज़ रिकॉर्ड हुई है। और जब भी बसंती जी से इस बारे में बात करना चाहते हैं या उनसे मांगते हैं इस बात का कि उस दिन एक्चुअल क्या हुआ, तो वो खुद भी ये सब चीज़ें नहीं बताती है। वेल, सोशल मीडिया पे इस तरीके के कमेंट्स आना वेरी नॉर्मल, बहुत बार होता है कि ऐसे एनोनिमस या कोई भी सब्सक्राइबर आके कुछ इस तरीके के कमेंट्स करते हैं, लेकिन प्रूफ्स के नाम पे कोई यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाता। और अगर इन बातों में ज़रा भी सच्चाई होती तो देखिए, गलत काम होता है। और अगर इस चीज़ में आप इस चीज़ को इसीलिए कवर करना चाहते हो कि परिवार की इज्जत ख़राब हो जाएगी, किसी को जेल हो जाएगी, तो क्राइम को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती, चाहे वो किसी भी हाल में हुआ हो। और किसी को क्रिमिनल बनाना, वो भी एक बहुत बड़ा अपराध है। किसी बेकसूर को क्रिमिनल बनाना या ज़बरदस्ती का उस पर आरोप लगाना, ये भी जो है ये हमारे कानून के खिलाफ होता है। जब तक आपके पास किसी के नाम के सबूत ना है और जब तक आप दिखाई नहीं रहे हो जिस को, तो उस बात को आप डंके की चोट पे मत बोलो। चाहे वो अनीता जी के बेटे की शादी को लेके जो अफवाहें आ रही हैं वो, चाहे वो बसंती जी की चीज़ों को लेके अफवाहें आ रही हैं वो, आपकी बातें तब तक अफवाह ही हैं जब तक आपके पास अपनी बातों का कोई प्रूव नहीं है। और जब तक वो बात प्रूव नहीं होती, वो अफवाह की ही कैटेगरी में आएगी। तो आजकल इस तरीके का माहौल चल रहा है कि जहां पे अनीता जी पे अलग बातें चल रही हैं, उनको एक्सपोज करने की बातें चल रही हैं, तो उनकी बात को अभी 4 दिन भी नहीं हुए थे कि अब बसंती जी पे भी बातें आनी शुरू हो गई हैं, उनके लिए भी सबूत पे बातें आने लगी हैं कि इनके पास भी सबूत है। वेल, ऐसे सबूतों का हमने क्या करना है? हमने यहाँ पे किसी सबूत का कुछ नहीं करना है। सबूत जहाँ देने चाहिए वहाँ दो। अगर आपको लगता है कि किसी बंदे ने गलत किया है तो क्रिमिनल पे दया नहीं की जाती, क्रिमिनल सज़ा का हकदार होता है। और ये तो फिर कानून के साथ भी खिलवाड़ करने वाली बात हो गई कि आप एक तरफ बोल रहे हो कि आपके पास सारे प्रूव हैं और दूसरी तरफ आप एक क्रिमिनल को बचाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये चीज़ें और ये मैसेज और इस तरीके की मानसिकता सही नहीं है। किसी गरीब इंसान को, किसी मजबूर इंसान को किसी भी अफवाह में डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ सिनारियो होता तो सबसे पहले एक बाप अपने बेटे के लिए स्टैंड लेता, यानी कि दादाजी अपने बेटे के लिए खुद स्टैंड लेते। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, एक बाप अपने बच्चे के लिए हमेशा खड़ा होता है, ठीक है? तो अगर ऐसा कुछ उनके घर पे हुआ होता या इस बात में ज़रा भी सच्चाई होती तो सबसे पहले वो बाप ही अपने बेटे को न्याय दिलवाता। तो अगर परिवार के जो गार्जियन हैं, मेन जो हर्ताकर्ता हैं, वो चुप हैं और बाकी के सारे मेंबर्स चुप हैं, तो फिर इसका मतलब हम किसी पे भी ऐसे अफवाहों में बिलीव करके आरोप नहीं लगा सकते। जब आप सबूत नहीं दिखा सकते तो आई थिंक आपको ऐसी बातें भी नहीं करनी चाहिए। या तो सबूत दिखा के बातें करो, लेकिन जब सबूत छुपाना भी है और बातें बोलनी भी है तो प्लीज़ इस तरीके की अफवाहें मत फैलाओ, चाहे वहाँ हो चाहे यहाँ हो। और मैं फैमिली से यही बोलूँगी कि इस तरीके की अफवाहों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से ये बोलते हैं कि ये अफवाह हैं जब तक कोई भी बात प्रूव नहीं होती। लेकिन आप लोगों को भी अपने चैनल के माध्यम से ये चीज़ क्लियर करनी चाहिए ऑडियंस को कि हमारे लिए इस तरीके की अफवाहें फैलाई जा रही हैं या हमारे खिलाफ इस तरीके की बातें हो रही हैं और इन बातों का हम बहिष्कार करते हैं और इन बातों को हम गलत बोलते हैं और झूठा बोलते हैं, इन बातों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो आप लोग इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें। सेम दोनों पे एप्लीकेबल होता है कि अगर आपको लगता है कि आपके लिए कुछ ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं या ऐसी बातों की बातें हो रही हैं, तो आप लोगों को आके उन बातों को वहीं पर रोक देना चाहिए। एक कॉन्ट्रोवर्सी वाला मुद्दा किसी को देना नहीं चाहिए, इस कॉन्ट्रोवर्सी को उठने से पहले ही वहीं पर स्टॉप कर देना चाहिए। जहाँ पर बार बार अनीता जी के कॉमेंट सेक्शन में भी सब्सक्राइबर यही बोल रहे हैं कि आप इस बात का जवाब दो, लोगों का मुँह बंद कराओ, उनको चुप कराओ, हाँ ना में जवाब दो, लेकिन वो भी कोई जवाब नहीं दे रही हैं, इसीलिए मैटर उनका भी ठंडा नहीं हो रहा है। और जहाँ पे बसंती जी का है, बसंती जी तो खैर अभी इस सिचुएशन में ही नहीं है कि वो हर एक छोटी बात का जवाब दे पाए। अब बच्चों से ऐसे जवाब की उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए, ना ही उनसे इस चीज़ की डिमांड करनी चाहिए। हालांकि एक सब्सक्राइबर ने थोड़े दिन पहले ये रिक्वेस्ट भी की थी बसंती जी से कि आप प्लीज़ उस दिन का हमें जो है सीन बताओ, सिनेरियो बताओ कि एक्चुअल में उस दिन क्या हुआ था, क्योंकि अभी तक हमने जो भी स्टोरी सुनी है वो बच्चों के मुँह से सुनी है, पर आप भी बताओ, इससे आपको व्यूज़ भी आएंगे और ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट भी होगी। जिसका रिप्लाई गोल्डी ने किया था कि नहीं मम्मी, अगर उस चीज़ के बारे में सोचती भी है, बात भी करती है,
तो वो रो पड़ती है, क्योंकि वो एक नॉर्मल हादसा नहीं था, वो एक बहुत ख़तरनाक और गंभीर हादसा था जिसे मम्मी नहीं भुला पा रही है। तो अभी जिस सिचुएशन में बसंती है, बहुत मुश्किल से उन्होंने अपने आप को संभाला है, अपने घर की चीज़ों में अपना मन लगाया है, अब उनका बेटा भी यहाँ पर नहीं है, तो घर की पूरी जिम्मेदारी इस समय बसंती के सर पर ही है, चाहे वो उनके ससुर जी से रिलेटेड हो, चाहे उनकी बेटी से रिलेटेड हो, या घर की बाकी समस्याओं से रिलेटेड हो, वो सब कुछ खुद ही हैंडल कर रही है। तो इस समय उन्हें प्रेशर नहीं देना चाहिए, और मुझे लगता है कि इस तरीके का उन्हें ना इस तरीके का नेगेटिव माहौल भी उनके लिए नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज ये जो कमेंट्स आते हैं और जो इस तरीके की बातें होती हैं उसकी वजह से सामने वाले बंदे को स्ट्रेस भी होता है और उसको डिप्रेशन भी हो सकता है, राइट। तो अभी उनके लिए ये सही वक्त नहीं है ये सब चीज़ें डिस्कस करने का या इन सब चीज़ों पर बात करने का। जब टाइम आएगा, सही वक्त आएगा, तो हो सकता है कि वो खुद आप सबसे बात करें, आप सबको खुद इन सब चीज़ों के बारे में बताएं, लेकिन अभी आप लोग प्लीज़ इस बारे में बात मत कीजिए। किसी के ऊपर इतना बड़ा और इतना मेजर एलिगेशन मत लगाइए जब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। मैं बस अपनी वीडियो के माध्यम से यही बोलूँगी, किसी भी तरीके की अफवाहों में, चाहे वो किसी भी क्रिएटर के लिए हो, तब तक बिलीव मत कीजिए जब तक वो क्रिएटर सामने से आके उस चीज़ के बारे में बात ना कर ले या अपनी सफाई ना दे दे। और क्रिएटर से भी यही बोलूँगी कि जब आपके बारे में ऐसी अफवाहें उड़ती हैं तो एक जस्टिफिकेशन देने में कुछ भी नहीं जाता है, कॉन्ट्रोवर्सी को बढ़ाना नहीं चाहिए, उसको समय रहते ही वहीं का वहीं स्टॉप कर देना चाहिए। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।